अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शायर फन व्लॉग्स। ये देखें आज हमारे भाई हैं सुफियान रज़ा, वो देखें कद्दू का हलवा बना रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी देर होगी उनको यहाँ खड़े हुए, ये आप देखें। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिससे बनता है, वो भाई साहब बताएं। जी सुफियान भाई बताएं सर, आप इसके लिए क्या क्या चाहिए। किस तरह पहुँचे हो यहाँ तक? पहले हमने एक कद्दू लिया, ठीक है, और उसको कटिंग करके उसके पीसेस बना लिए टुकड़े, और उन टुकड़ों को हमने एक डिश के अंदर डाल दिया और उसको बॉयल किया। बॉयल करने के लिए हमने उसमें 2 गिलास पानी डाला। कद्दू सर कितना लिया था आपने? 10 केजी। 10 केजी कद्दू में 2 गिलास पानी? जी हाँ, क्योंकि ये कद्दू अपना पानी खुद छोड़ता है। सही सही सही, जिसलिए हमने इसमें मैक्सिमम 2 गिलास पानी डाला है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको इसको बनाते हुए? इस टाइम तो तकरीबन 4-4.5 घंटे हो चुके हैं। गुड, ये देखें व्यूअर्स, ये भी बन रहा है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। घी ऐड कर दिया, ठीक है, और 1 केजी तकरीबन घी ऐड हुआ है, और इसमें चीनी तकरीबन वो भी 1 केजी हमने ऐड की है। ठीक है यार, मैं तो बहुत थक गया उसको हिला हिला के, चींटे वो तब ऊपर आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं मतलब ये बनाने में इतनी ज़बरदस्त स्पेशल डिश, क्योंकि हलवा कोई भी आप बनाएं उसमें आपको छींटे जो होते हैं आपको अपनी सेफ्टी ज़रूर करना होती है। सर इसमें क्या सेफ्टी करें? हेलमेट पहन लूँ? मतलब क्या सेफ्टी कैसे हो मेरी? सेफ्टी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच लिया है। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ जी, ताकि आप दूर से इसको हिला सकें। हम हिला सकें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम नज़दीक से ना हिलाएँ। चले हम आपको बताते हैं कि अभी हम इसमें गार्निशिंग के लिए क्या चीज़ें ऐड करेंगे। गार्निश के लिए हमने इसमें खोपा, ठीक है, और मेवा डाला है, बादाम है। ये देखें जी, खोपा हमने कट करके रखा हुआ है। ये हमने किशमिश सुफियान भाई ने इसको भिगो के रखा हुआ है, इसको हम साफ करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको हलवे में ऐड कर लेंगे। तो भी इतना बड़ा हुजम का कद्दू कहाँ पे, मतलब पठवार क्या है या किस जगह का, मतलब इतने बड़े हुजम मैंने तो नहीं देखे, बहुत कम देखे हैं। जो ये कद्दू आया है ये बड़ा जो हुजम का होता है साइज, ये हज़रों का है। अच्छा, हज़रों का। हज़रों के साइड पे ये बड़े कद्दू जो है ना वो पाए जाते हैं। बहरहाल ये कद्दू जो होते हैं ये पूरी दुनिया में बड़े बड़े पाए जाते हैं। पाकिस्तान में तो मैक्सिमम 15-20 केजी का होता है, और दुनिया में ये 40-50 केजी के पाए जाते हैं, खासकर अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता रहा हूँ सबसे खास, ये जो कद्दू शरीफ है, इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे खातमुन नबीन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा डिश थी। ये इसको एजाज़ हासिल है, वो मेरे ख्याल किसी और डिश को ऐसा एजाज़ हासिल हो, ये भी इसकी सबसे बड़ी खास बात है। और ये एक बात का ख्याल रखें, अगर आपको पसंद ना भी हो तो आप ये ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ये कहें ठीक है, हम मुझे प्यार कर रहे हैं। और ये जो कद्दू है ये पूरी दुनिया में ये हर बंदा खाता है, ये नहीं है कि खाली जस्ट मुस्लिम इसको लाइक करते हैं, नहीं। ये अब अप्रैल में जो एक त्यौहार आता है क्रिश्चियंस का, अच्छा, उसके अंदर भी ये कद्दू जो है बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। ये पाकिस्तान में तो पैसा देखने को मिला नहीं हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लग जाएगा इसको बनने में, आपको कितनी देर लगेगी, मैक्सिमम प्लेट हमारे और लगेंगे। चले व्यूअर्स, जितनी देर में रेडी होता है हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा कद्दू का हलवा बिल्कुल रेडी है। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें खोपा कट करके डाला है और किशमिश। तो ये सुफियान भाई ने कद्दू का हलवा बनाया है और ये बहुत ज़बरदस्त गरम गरम हलवा है। आप चाय के साथ पेश करें, शाम के टाइम आप इसको खाएँ। ये देखें हमने इसमें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।